हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने iOS डिवाइस में यानी एप्पल के मोबाइल में डिक्शनरी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल के अंदर कुछ डिक्शनरी दी होती है, तो आप उन डिक्शनरी को सिलेक्ट करोगे तो आपका मोबाइल उस हिसाब से काम करेगा, टाइपिंग करेगा और आपको जो वर्ड है वो शो कराएगा। तो आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हो, आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग को चालू करना है, आपको सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग पर टच करिए। सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, तो जिसमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ जनरल, तो आपको जनरल पर टच करना है। जनरल पर टच करने के बाद आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कुछ डिक्शनरी मिल जाएगी, तो जिस पे आपको राइट दिखाई दे रहा है वो हमारा अभी सिलेक्टेड है यानी अनेबल है, पर अगर हम उस पर क्लिक करके हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे सिर्फ तीन रह जाएंगे, तीन चार। और अभी ये चार डिक्शनरी हमारे फ़ोन में काम कर रही है। अगर हम सिर्फ हिंदी भी रहने देंगे तो सिर्फ हिंदी डिक्शनरी काम करेगी, और ऐसा आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।